हेलो गाइस, आई एम पल्लवी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर नेम इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द फ्रेंच कर्व एनालिसिस। दिस इज अ चैप्टर नंबर 4, अजप्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूटिलिटी इज रैंक नॉट मेजर्ड, यानी कि यूटिलिटी जो है रैंक में मेजर नहीं होती है, यानी कि नंबर में होती है। कंज्यूमर इज रैशनल, इसमें जो कंज्यूमर रहते हैं वो रैशनल होते हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवेन एंड रिमेन कांस्टेंट, इनकम जो है वो कंज्यूमर का गिवेन रहता है और वो कांस्टेंट रहता है। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन, यानी कि जितना ही ज्यादा अगर गुड खरीदेंगे उतना ही ज्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। ड्यू टू मोनोटोनिक प्रिफरेंस, मतलब मोनोटोनिक प्रिफरेंस की वजह से जितना ही लोगों को क्वांटिटी में गुड्स को मिलेंगी उतना ही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का बढ़ता है। आईसी इज ड्राइवन बाय मोनोटोनिक प्रिफरेंस, आईसी जो है मोनोटोनिक प्रिफरेंस के कारण ड्राइव के है, मतलब वो ड्यू टू मोनोटोनिक प्रिफरेंस आईसी स्टोर्स। कंज्यूमर प्रिफरेंस डज नॉट चेंज, और कंज्यूमर की प्रिफरेंस जो रहती है वो चेंज नहीं होती है। प्राइस ऑफ टू गुड्स आर गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, दो गुड्स यानी कि दो चीजों की जो प्राइस रहेगी वो गिवन रहेगी लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी। इन डिफरेंस कर्व इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जो कि एक रिसोर्सेज के अंदर ही रहता है। ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कि ऑफर करता है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सो दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल द कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल मतलब शेड्यूल, कॉम्बिनेशन ए, एक्स ने 1 यूनिट लिया, वाई ने 15, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो रहा वो सेम रहा। और एमआरएफ जो है कंपैरिजन नहीं है कि मतलब पिछला कितना लिया था उसके अकॉर्डिंग, तो वो शो नहीं कर रहा है। बी में एक्स कमोडिटी, मतलब एक्स कमोडिटी को 2 यूनिट लिया गया और वाई कमोडिटी को 11 यूनिट लिया गया, यानी कि 2 कमोडिटी हटाया गया तो मतलब वो वाई की जो कमोडिटी की जो क्वांटिटी वो थोड़ी सी, मतलब प्राइस भी हो सके, नहीं प्राइस सेम रहेगी लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम हुई लेकिन एफ की बढ़ी, तो उसकी भी सेटिस्फेक्शन उनको सेम मिलेगा, जिससे एमआरएफ जो है 4 यूनिट का, मतलब एमआरएफ जो है वो 4 यूनिट होगा। फिर सी लेते हैं, सी में एक्स कमोडिटी 3 लिया गया और वाई कमोडिटी 8, फिर डिक्रीज कर रहा वाई कमोडिटी और सेटिस्फेक्शन सेम है, जिससे एमआरएस जो है 3 यूनिट हुआ क्योंकि एमआरएस डिक्रीज करेगा। और डी पे 4 यूनिट 6, तो उस पे 2 हुआ। ई पे सेम, मतलब सेटिस्फेक्शन सेम है लेकिन एमआरएस और वाई जो है वो डिक्रीज कर रहा है और एफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ये है इनडिफरेंस कर्व का, मतलब इनडिफरेंस कर्व का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ कैसे बनाए कि मतलब इनडिफरेंस कर्व का कि मतलब शो कर देगी। तो गुड वाई एंड गुड एक्स का शो किया है कि इनडिफरेंस कर्व ही और कॉम्बिनेशन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, यानी कि एक कंज्यूमर को इन डिफरेंस कर्व पे हर लेवल पे उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि एक कंज्यूमर जो है हर एक पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन को मिल रहा है। इसी वजह से जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है ना कि कॉनकेव। इन डिफरेंस मैप, अब जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू ई, तो इसमें जो है ये जो पॉइंट है इसमें जैसे कि ये ले लीजिए, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, यानी कि
कंज्यूमर को हर एक पॉइंट पे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब देखिए, जैसे कि इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। तो इसमें जो कंज्यूमर है उसको हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसी वजह से, ये सेटिस्फेक्शन की वजह से ये इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स होता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से एक कंज्यूमर को हायर, मतलब हर एक पॉइंट पे हर एक यूनिट कंज्यूम करने पे उसको हायर, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन, यानी कि सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। चलिए अब आते हैं इनडिफरेंस मैप। इफ टू और मोर आईसीज आर शोन इन अ सिंगल डायग्राम देन इट इज नोन एज इनडिफरेंस मैप। यानी कि अगर एक मतलब एक ग्राफ में दो से ज्यादा आईसीज शो किए जाएं तो उस ग्राफ को हम लोग इनडिफरेंस मैप कहते हैं। देखिए, जैसे इसमें जो है हर लेवल पे हर तरह के जो, देखिए अब IC1, IC2, IC3 एंड IC4, ये चार हैं, चारों के चार हैं, मतलब चार आईसी, मतलब एक ग्राफ में चार आईसी बने हैं। तो ये जो, इसका मतलब ये है कि हर एक आईसी को हर एक लेवल पे सेटिस्फेक्शन इक्वल मिल रहा है, तो इसी को आईसी मैप कहते हैं। अब आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। इसमें ये भी देख सकते हैं कि एक ग्राफ में हायर आईसी शोस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जिस हर एक स्टेज पे जो जितनी भी ग्राफ बनी है उसमें हर एक कर्व पे IC1, IC2, IC3 हर एक पे उसको हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक कंज्यूमर को हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आईसीज नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आईसीज जो है वो पैरेलल है ईच अदर, या आईसीज नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसीज जो है या ना इंटरसेक्ट की है और ना ही टच की है एक भी कर्व को। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच गुड वाई इज टू बी सैक्रिफाइड फॉर एन एडिशनल अनकाइंड ऑफ गुड एक्स। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हम लोग एक गुड्स को, मतलब जब कंज्यूम करते हैं फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद उसको गुड्स को कंज्यूम करते रहे तो उसी को हम लोग मार्जिन, क्योंकि मार्जिन उसकी वजह से जो एडिशनल यूनिट हम लोग कंज्यूम करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो उस जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसी एडिशनल यूनिट को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिससे कि MRS जो है वो डिक्रीज करता है। Why MRS falls? As more and more unit of good X are consumed by the consumer, his intensity of desire for good X become less and intensity of desire for good Y increases due to less and less unit of good Y. यानी कि जब आप किसी भी commodity का यूनिट जो है बढ़ाते जाएंगे, कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा लगातार करते जाएंगे, जैसे कि गुड एक्स का माल कंजक्शन हमेशा करते जाएंगे, उसका एडिशनल मतलब यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा जिसपे जो उसकी डिजायर रहेगी वो कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उसकी वजह से जो गुड वाई रहेगी वो इंक्रीज करने लगेगी, गुड वाई की मतलब कंजप्शन ज्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि गुड एक्स जो है कंज्यूम करते करते उसकी क्या नाम है MRS डिक्रीज करने लगी है। तो कंज्यूमर सेक्रीफाइस लेस एंड लेस यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, यानी कि गुड एक्स को कंज्यूम करते करते जो कंज्यूमर है वो गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहे थे, अब जो कि एक्स की कॉमोडिटी की एडिशनल यूनिट करते करते उनकी जो कंजप्शन है, जो डिजायर है वो खत्म होने लगे, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो स्विच करके गुड वाई पे चले गए, जिसमें कि उनकी गुड वाई की
डिमांड बढ़ने लगी, यानी कि डिजायर उसकी बढ़ने लगी और वो इंक्रीज करने लगा। इसलिए जो है अगर एक गुड्स की आप लगातार उसको कंजप्शन गुड्स का लगातार कंजप्शन करने लगेंगे तो उसकी जो यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल डेटा सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिक्रीज करने लगता है और डिक्रीज करके डिक्लाइन जीरो एंड नेगेटिव में हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आईसी स्लोप डाउनवर्ड, इट स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बोथ द गुड्स कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, वन हैज टू सेक्रीफाइस फॉर अनदर। यानी कि आईसी जो है वो स्लोप डाउनवर्ड इस वजह से होता है क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये जरूरी नहीं कि आप दोनों कम्युनिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, सेम लेवल की कम्युनिटी को आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, मतलब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आप दो कम्युनिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, एक को सेक्रीफाई करेंगे तभी आप दूसरे को कंज्यूम कर पाएंगे, उसी को हम लोग इसी वजह से जो आईसी होती है उसका स्लोप जो होता है डाउनवर्ड होता है। और एमआरएस डिक्रीज करने से जो जो आई वो एमआरएस डिक्रीज करने से जो जो कर्व होता है जो कॉनकेव कर्व होता है एमआरएस डिक्रीज करने की वजह से कॉनकेव कर्व होता है और एमआरएस इंक्रीज सॉरी एमआर वो और जब एक कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन हर एक पॉइंट पे मिलता है तो इसी वजह से जो एमआरएस जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है। इट इज अ कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, इट इज द कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ड्यू टू फॉल इन एमआरएस। यानी कि ये जो कॉन्वेक्स इस वजह से होता है क्योंकि जो ओरिजिन होता है यानी कि एमआरएस जो होता है वो फॉल करता है, इसी वजह से जो जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है। द रेट एट विच गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस लेस एंड लेस फॉर कंज्यूमिंग एंड एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। यानी कि अगर आप गुड वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपको अगर गुड का गुड एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो गुड वाई को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो एमआरएस डिक्रीज करता है जिसके वजह से अपना स्लोप जो होता है मतलब अपना कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस व्हिच मींस दैट As consumption increases, satisfaction also increases. IC need not be parallel to each other. यानी कि higher IC shows higher level of satisfaction. यानी कि जो ICs होते हैं और जितना ही आप किसी भी commodity को consume करेंगे कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो इंक्रीज करता है और इंक्रीज करते करते सेटिस्फेक्शन जो कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से होता है और इंक्रीज करते करते सेटिस्फेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस और ये पैरेलल आइसिस जो होती है उसकी जरूरत नहीं होती पैरेलल हो। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो दो आईसी है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इन डिफरेंस कर्व जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हर एक ईच पॉइंट पे एक कंज्यूमर को अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आईसी जो है कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करती है। IC neither touch axis nor touch y axis. If two goods are consumed, one is always sacrificing for another because consumption of good is not zero. देखिए जो गुड्स की कंजप्शन आएगी वो कभी जीरो नहीं होगी और वो टच इस वजह से नहीं करता है क्योंकि अगर आप एक गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो दूसरी गुड्स को आप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी इस ग्राफ में देख लीजिए कि जो आईसी है वो ना वाई को टच किया है ना एक्स एक्सिस को टच किया है। फिर उसके बाद आता है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हर एक का मतलब आईसी जो है उसको हर एक लेवल पे देखिए इस लेवल पे इस लेवल पे इस लेवल पे और इस लेवल पे उसको हर एक लेवल पे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और उसके बाद आता है कि आईसी नेवर
आईसी डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि आईसी जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे से, क्योंकि आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है एक दूसरे को, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल से, यानी कि हर एक लेवल पर, देखिए जैसे कि उसमें था कि हर आईसी सोर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि हर एक लेवल पे ये हर एक लेवल पे एक कंज्यूमर, हायर आईसी तो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, आईसी जो है उसको हर लेवल पे अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसी वजह से आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उसके बाद से आता है आपका एंड इट इज अ कॉन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, यानी कि ये देखिए कॉन्वेक्स ग्राफ, क्योंकि हायर आईसी सोर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हर एक लेवल पे एक कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है इस वजह से, और आईसी डज नॉट टच एक्सिस एंड वाइस एक्सिस, ये भी बता चुके। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इट मीन्स दैट अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रिफर्स दैट कॉम्बिनेशन विच हैज आइदर मोर ऑफ बोथ द गुड्स और मोर ऑफ एट लीस्ट वन गुड, यानी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है हायर आईसी सोर्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को आप इंक्रीज करेंगे यानी कि उसका कंजप्शन बढ़ाएंगे, वैसे ही एक कंज्यूमर को उतने लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो इंक्रीज करता है। बजट लाइन शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज, जो बजट लाइन है वो शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज ऑन विच हिज टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हिज इनकम विथ गिवन प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम, यानी कि देखिए बजट लाइन वो होता है कि जो एक कंज्यूमर जो है अगर किसी भी कमोडिटी पे अपना पैसा एक्सपेंड करना चाहे उसी को बजट लाइन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक कंज्यूमर का सैलरी है 10,000 और वो चाहता है कि उसमें से 4,000 वो सेविंग कर ले और 6,000 अपने सामान पे खर्च करे, यानी कि कुछ एक्सपेंड करे, यानी कि कुछ सामान खरीदे या फिर कुछ भी मतलब जो कि उससे एक्सपेंड करे, तो उस पे ये होगा कि मतलब वो जो 6,000 रहेगी सेविंग का तो छोड़ दीजिए, जो 6,000 रहेगी वही हमारी बजट लाइन रहेगी जिसके अंदर एक कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करना है और ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को खरीदना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी अगर खरीदेंगे तो उससे ज्यादा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो एक कंज्यूमर का वही बजट लाइन है 6,000, क्योंकि उसी के अंदर उसको सारा खरीदना है, उसी को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन, जो कि एक टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हिज इनकम विद गिवन प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम। अब देखिए एक कॉम्बिनेशन है शेड्यूल में एक्स एंड वाई एंड एम इक्वल टू 100, अब मतलब और मान लीजिए बी है, यानी कि एक की कमोडिटी की है 1 एंड दूसरी की 8, तो 100, यानी कि वो चाहे एक ले दो ले या तीन ले कितना भी ले वो उसका जो बजट लाइन रहेगा वो उतना ही रहेगा, यानी कि एम जो है उसका बजट लाइन शो कर रहा है कि मतलब 100 ही रहेगा, वो 100 से ना बढ़ सकता है और ना घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता, इस वजह से कि क्या नाम है बढ़ इस वजह से नहीं सकता है कि वो जो है उसके आगे उसके पास इनकम नहीं है, और अगर वो एक कॉमोडिटी को इंक्रीज एक कॉमोडिटी को इंक्रीज करेगा तो दूसरी कॉमोडिटी को सेक्रीफाइस उसको करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर एक्स की कॉमोडिटी की वो कॉमोडिटी की यूनिट जो है इंक्रीज कर रही है तो वाई कॉमोडिटी की जो यूनिट है वो डिक्रीज कर रही है। ये ग्राफ है बजट लाइन का जो कि होता है एम इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, यानी कि इसमें जो है वाई जो है यानी कि बजट लाइन इशो कर रहा है कि इसमें जो एक कंज्यूमर रहेगा उसको उसके अंदर ही खरीदना है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता है, और उससे बाहर अगर जाएगा
The budget line is drawn on assumption that price of good 1 is 2 per unit, price of good 2 is 1 per unit, and the consumer has 60 to spend accordingly the maximum. Yani ki ek consumer jo hai, agar good 1 le raha hai 2 rupees mein aur price jo hai good 2 ki wo 1 rupees hai, to per unit. And the consumer has 60 to spend. और consumer जो है वो spend करना चाहता है 60. Accordingly, maximum 30 unit of good one are purchased when either budget is spent on good one, and maximum 60 unit of good two can be purchased when either budget is spent. यानी कि अगर जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करना चाहेगा 30 यूनिट का गुड वन, क्योंकि उसकी रुपीज जो है 2 है और गुड वाइफ की जो रुपीज है 1 है, इस वजह से गुड वाइफ वो 60 यूनिट कंज्यूम करना चाहेगा अगर वो एक्सपेंड करता है अपना पैसा तो. Because a consumer with his given income of 60 can buy 30 unit. यानी कि जो गिवन इनकम है कंज्यूमर का वो 60 है और वो बाय करना चाहता है 30 यूनिट ऑफ गुड वन, और 60 यूनिट ऑफ गुड टू और अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑन द लाइन ए बी. यानी कि ए बी की लाइन देखा जाए तो वो जो 60 रुपीज है उसी के अंदर वो खरीदेगा. ईच पॉइंट ऑन द लाइन ए बी इंडिकेट वन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वन एंड गुड टू विच कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज गिवन इनकम एंड गिवन द प्राइस ऑफ गुड. यानी कि एक प्राइस को देखते हुए कंज्यूमर और अपने इनकम को देखते हुए कंज्यूमर जो खरीदना चाहेगा वो खरीदेगा. बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वन एंड गुड टू विच कंज्यूमर कैन बाय. यानी कि एक कंज्यूमर जो है गुड वन एंड गुड टू का कंजेशन बढ़ाएगा अगर उसका जो बजट लाइन जो है वो अगर जितने उतने में ही वो खरीदेगा, उससे अगर मतलब उससे ज्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकता है. एवरी एनी वेयर ऑन द बजट लाइन अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इंटायर इनकम आइदर ऑन गुड वन और गुड टू और ऑन बोथ गुड वन एंड गुड टू. यानी कि अपने इनकम को देखते हुए या तो वो एक गुड वन को लेगा या गुड टू को लेगा, या फिर वो दोनों भी ले सकता है लेकिन हाफ ऑफ अमाउंट में. थैंक यू गाइस, टुडे लेक्चर इज फिनिश्ड. टुमारो आई विल मेक अ न्यू लेक्चर. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो. एंड टुमारो आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. थैंक यू.